हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा और आज एक और खबर आई है एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित कि एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो आवेदन करने की तारीख है वो बढ़ सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अप्रैल जो उसकी आखिरी तारीख थी आवेदन करने की, और वो समाप्त हो चुकी है। और लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद के MCA प्लस BEd धारक, साथ में जिनके पास इंटर में संस्कृत नहीं है लेकिन BA में है, वो लोग भी और साथ में 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो उनके लिए जो आवेदन की तारीख है वो बढ़ सकती है, और आवेदन करने की जो तारीख है वो बढ़ाई जाएगी। तो सचिव जगदीश ने कहा है कि जल्द ही तारीख बढ़ाए जाने की खबर दे दी जाएगी, और उसकी जो आयोग की जो वेबसाइट है उस पर upsc.up.nic.in पर इसकी खबर दे दी जाएगी, उसकी जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी हो सकेंगे और इससे NIC से बात की जा रही है। तो अगर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल है ऑफलाइन प्रक्रिया करना, आवेदन आयोग में जाके जमा करना। अगर ऑनलाइन होता है तो सबके लिए अच्छी बात होगी और आसान रहेगा। तो चलिए और जान लेते हैं इस खबर के बारे में कि एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती की अर्हता के संबंध में हाईकोर्ट से कई याचिकाओं पर हुए फैसले के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पशुपेश में और याचिकाओं के आवेदन के लिए तारीख बढ़ाने पर तो सहमति बन गई है, लेकिन 6 मई को प्रस्तावित परीक्षा हो सकेगी इस पर आयोग अभी कोई निर्णय नहीं ले सका है। हालांकि परीक्षा टलने के आसार बने हुए हैं। दूसरी ओर परीक्षा पर असमंजस के चलते अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति है। ऊहापोह होता है असमंजस, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभ्यर्थियों के, और आयोग से एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 10,768 रिक्त पदों पर परीक्षा 6 मई को प्रस्तावित है। इसके लिए आवेदन पूरे हो गए हैं। अर्हता में पेच के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह जाते। उससे पहले ही हाई कोर्ट ने अलग अलग याचिकाओं में याचियों के आवेदन लेने का आयोग को आदेश दिया, जिसमें हिंदी कंप्यूटर शिक्षक और 2016 में विज्ञापित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदकों को भी इस भर्ती में शामिल करने का आदेश हुआ। योग्यता को लेकर कई अन्य मामले भी अभी लंबित हैं। हाईकोर्ट से हुए आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने पर आयोग अभी कोई फैसला तो नहीं ले सका है, लेकिन याचियों को आवेदन का मौका देने पर सहमति जरूर बन चुकी है, और या आयोग अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने की आड़ में ही 6 मई को प्रस्तावित परीक्षा टाल सकता है। आवेदन जमा करने का आयोग में लगातार था। आयोग में सोमवार को सैकड़ों अभ्यर्थी एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का आवेदन ऑफलाइन जमा करने पहुंचे। हाईकोर्ट ने चूंकि आदेश दिया था कि याची आयोग की ओर से तय समय सीमा में आवेदन और बैंक ड्राफ्ट जमा कर दे, तो उसी के अनुपालन में अभ्यर्थियों का तांता लगा रहा। 8 लाख आवेदन के आसार हैं। तो राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में सहायक अध्यापक बनने की प्रशिक्षक स्नातक में होड़ मच गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही हो रही एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में 10,768 पदों के लिए अब तक करीबन 7.5 लाख आवेदन जमा हो चुके हैं, जबकि इस संख्या में अभी और इजाफा होना है। यह स्थिति तब है जब 2016 में विज्ञापित एल्टी ग्रेड के 9,342 पदों के सापेक्ष 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आयोग को एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 आयोजित कराने का जिम्मा मिला है, और आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 16 अप्रैल घोषित की थी। 12 अप्रैल तक बैंक में ऑनलाइन शुल्क जमा करना था। इसके तहत सोमवार शाम तक 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिए हैं। आवेदन का सिलसिला रात 12 बजे तक चलेगा। वहीं इस भर्ती में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की योग्यता को लेकर विवाद है। अर्हता को लेकर फंसे पेच के चलते तमाम अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। इसी बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन भी नहीं कर सके, जबकि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों याचियों को परीक्षा में शामिल करने का आयोग को आदेश दिया है। इससे आवेदनों की संख्या में इजाफा होगा, जबकि अर्हता का पेच अगर ना होता तो आवेदनों की संख्या 10 लाख के आसपास भी पहुँच सकती थी। गौरतलब है कि शिक्षा निदेशालय की और से 2016 में विज्ञापित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 9,342 पदों के सापेक्ष करीब 5 लाख आवेदन जमा हुए थे, जबकि इस भर्ती को रद्द कर देने के बाद
आयोग ने नए सिरे से हो रही भर्ती में पदों की संख्या पूर्व के आवेदन से 1426 ही बढ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी खबर है। अगर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फिर से चालू होती है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, आपको आयोग तक जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो 6 मई की डेट थी एग्जाम की, वो भी टलने के काफी आसार हैं। अगर आयोग ने आवेदन की तारीख बढ़ाई तो 6 मई का जो एग्जाम है वो टल सकेगा। तो जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो उनके लिए काफी अच्छी खबर है, और जो लोग अप्लाई करने से वंचित रह गए तो उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि दोनों लोग अपने अपने आवेदन भी भर सकते हैं और तैयारी के लिए उन्हें समय भी मिलेगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।